सुरभि को वहां से बचाने के बाद मैं सीधा मुंबई आ गया। तब से मैं मुंबई में ही हूं अपने परिवार के साथ। मैं उसके बाद वापस आतिशगढ़ नहीं गया। इसका कोई सबूत? कितने सबूत चाहिए आपको? पूरा परिवार है यहां। मुजरिम का परिवार तो उसे बचाने की कोशिश करेगा ही। अरे इंस्पेक्टर साहब, कौन से मुजरिम का परिवार उसके खिलाफ गवाही देगा है? हमने खुद देखा है, इन्होंने लिए निर्भय भैया की जान। आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे आपको हिरासत में लेना होगा। उसके पहले क्या मैं अपने लॉयर को फोन कर सकता हूँ? इतनी इजाजत देंगे आप मुझे एज माई लीगल राइट? मिस्टर कपूर, नो नो, यू विल हैव टू कम। मुझे लगा था, नो, यू विल हैव टू कम जल्दी। थैंक यू। मामला काफी पेचीदा है। यहां पर एक चश्मदीद गवाह खड़ा किया है आकाश की मां ने। क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पुलिस स्टेशन आते हैं। नहीं नानू, आप अभी रुकिए, राठौर अंकल अपने वकील से बात कर रहे हैं। जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। पर आप वहां अकेले? अच्छा ठीक है अब्बा, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें खबर कर दीजिएगा आप। जी ना। क्या हुआ साहब, राठौर साहब वापस आ रहे हैं ना? समझ में नहीं आ रहा है, आकाश की मां चाहती क्या है? पता नहीं क्या चाहती है वो। आज मीठी की शादी के दिन ही उन्हें ये सब नाटक करना था। जब भी हमारे घर में खुशी आती है, साथ में कोई तूफान भी आता है। चिंता मत करो, तुम मेहमानों का ख्याल रखो, हम देखते हैं। मैं शादी करूंगी। ये सब क्या हो गया इकबाल? इकबाल में सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं आकाश को क्या जवाब दूंगी? फोन करो मीठी। अब तक फोन क्यों नहीं कर रही मीठी? माफ करना भाई साहब, थोड़ा जल्दी में हूं। कोई बात नहीं, चाहिए। मुक्ता बेटा, लॉयर पहुंचा कि नहीं? आप टेंशन मत लीजिए, पापा लॉयर से बात कर रहे हैं। और कितना वक्त लगेगा आपको वहां पर? सब ठीक है ना? थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या होने वाला है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप फोन करके बताते रहिएगा हमें पल पल की बात, ठीक है? हम आपको फोन करेंगे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर,
मैं इस केस की ओरिजिनल FIR जो आतिशगढ़ में दर्ज हुई थी और आपके पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट दोनों देखना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। पापा, everything will be all right. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Stop pretending. दिख जाता है मुझे आप यूं यहां मेरी वजह से यूं पुलिस स्टेशन में। आप घर जाइए बस। पापा क्या करेंगे हम आपके बिना घर जाकर? आज मेरी प्रिंसेस का दिन है, आज आपकी शादी होनी है। Look at me, मेरी वजह से खराब हो रहा है सब कुछ। अब घर जाइए, तैयारी कीजिए। मुझे देर होगी पर मैं फेरों से पहले आऊंगा किसी भी तरह। पापा आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब दुल्हन इधर है तो शादी कैसे हो सकती दुल्हन के बगैर? और वैसे भी अपने पापा के बिना हम दुल्हन नहीं बनेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यही रहेंगे। प्लीज। बहुत फायदा उठाती हैं। किसको बताऊं मैं? मीठी, आप अब तक तैयार नहीं हुई? बारात आने ही वाली होगी मीठी, अब जल्दी से तैयार हो जाइए। मासी आपसे कुछ बात करनी थी। मिस्टर राठौर के बारे में सोच रही है ना? बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें, ट्रस्ट मी। हम जानते हैं उन्हें, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना वो अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी एलिगेशन उसने लगाए वो सबके सब बेबुनियाद है, सब जानते हैं ये बात। अब चिंता मत कीजिए, वकील पहुंच चुका है, आपकी शादी शुरू होने से पहले वो यहाँ पहुंच जाएंगे। मुख्तार कान्हा भी उनके साथ आ जाएंगे, आप जल्दी कीजिए बस। मासी वो अब मैं क्या कह रही थी कि कान्हा भैया और मुख्तार का इंतजार कर ले। हाँ हाँ वो आ जाएगी। अम्मू का ब्लड प्रेशर थोड़ा तो हाई है लेकिन वो अपनी जगह सही थी। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही बर्ताव किया जाता है। एक बार अम्मो आपको इस शादी के जोड़े में देख लेंगी, उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप जानती नहीं अब कितनी बड़ी खुशी देने जा रही है अपनी अम्मो को। मासी हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, तैयार हो जाइए। हम नानी या मामी जी में से किसी को लेने भेजेंगे आपको, ठीक है? समझाऊं मैं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तक बेटी का कोई फोन नहीं आया, ना ही कोई मैसेज आया। रह कहां गई बेटी? फोन भी उठा ले तो मैं क्या बोलूं? कि नहीं आकाश, तुम्हारी मीठी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। कैसे कहूं आपको कि मैं कितनी मजबूर हूं? हमारी माँ यहाँ आकर बहुत बड़ी मुसीबत में हूं आकाश, कैसे समझाऊं? अपने प्यार की कुर्बानी दे सकती हूँ लेकिन अन्नी, मैं अन्नी को नहीं छोड़ सकती आकाश। अगर अन्नी को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी की भर अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगी। अपनी माँ को खो चुकी हूँ मैं, अब अन्नी को
को खोने की हिम्मत नहीं है मुझे। माफ कर देना आकाश।